नमस्कार लोक वाणी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पा पाठक और आई सबसे पहले डालते हफ्ते की सुर्खियां। दो दिवसीय झारखंड स्टेट इंटरसिटी चैलेंज ट्रॉफी का उद्घाटन किया गया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। झारखंड बंगाल उड़ीसा के सीमावर्ती नक्सल प्रभावित जिलों की अधिकारियों के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक ने की बैठक। स्थित गोपाल मैदान में झारखंड वासी एकता मंच के द्वारा विशाल टुशु मेले का हुआ आयोजन। मादर की थाप में झूमे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा। और जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र में गंदगी का अंबार, नगर पालिका क्षेत्र में बनी नालियों का पानी सड़कों पर। और अब खबर विस्तार से। जमशेदपुर में झारखंड स्टेट इंटर यूनिवर्सिटी चैलेंज ट्रॉफी का आयोजन किया गया, जहां राज्य के 6 यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी तीरंदाजी और बॉक्सिंग में अपनी प्रतिभा को दिखाकर ट्रॉफी का खिताब अपने नाम करने का प्रयास किया। बिस्टुपुर से जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोल्हान यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित झारखंड स्टेट इंटर यूनिवर्सिटी चैलेंज ट्रॉफी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्य की महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दीप ज्वलित कर किया गया, जहां शिक्षा जगत के कई लोग मौजूद थे। वहीं दो दिनों तक चलने वाले बॉक्सिंग एवं तीरंदाजी प्रतियोगिता मेंस वुमेन्स के साथ मुकाबले खेले जाएंगे, जहां राज्य की 6 यूनिवर्सिटी खिलाड़ी चैंपियन ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाने का निशान लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं छात्र छात्राओं के द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट कर राज्यपाल को सलामी दी गई, जहाँ उद्घाटन सत्र को संबोधित करते महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि युवाओं का सर्वांगीण विकास पढ़ाई के साथ साथ खेल के रूप में भी किया जाना आवश्यक है। जहां अब खेल के माध्यम से युवा को रोजगार प्राप्त हो रहा है, वहीं इस तरह के आयोजन से हम खिलाड़ियों की प्रतिभा को एक मंच प्रदान करके उनकी पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में कई प्रतिभावान खिलाड़ी मौजूद है, जिनकी तलाश इस आयोजन की तरह की जाती है। वही तीरंदाजी इस राष्ट्र के लिए परंपरागत खेलों में से एक है, जहां हमें दीपिका जैसे प्रतिभावान खिलाड़ी प्राप्त हुई है। वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नेतृत्व करते हुए विदेशी धरती पर भारतीय तिरंगे को लहराने का काम किया गया है। वही राज्य में शिक्षा के लाचार व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एसपीएम यूनिवर्सिटी रांची के विद्यार्थी प्रतिभागी हमारे बीच में मार्च पास्ट कर रहे हैं। कोल्हान विश्वविद्यालय के प्रतिभागी लयबद्ध होकर महामहिम को सलामी दे रहे हैं। हमारे बीच में कोल्हान विश्वविद्यालय एनसीसी हो जाता है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिक का निवास होता है, हेल्दी कंपटीशन की भावना प्रलोभ होती है। इसीलिए पढ़ाई नितांत आवश्यक है, लेकिन खेलकूद एवं व्यायाम तथा योग भी जरूरी है। हमारे राज्य के बच्चों में असीम खेल प्रतिभा निहित है। इसका उदाहरण हमारे राज्य के कई खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से पूरे विश्व में ख्याति अर्जित की है। हम एक तीन छात्र छात्राओं को जिन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में जिन्होंने आर्चरी में गोल्ड मेडल ला करके ये खुद का नाम को आगे किया, कोल्हान यूनिवर्सिटी जो था झारखंड राज्य का नाम भी पूरा राष्ट्र में नाम रोशन किया है। टाटा स्टील मैं पहले भी आ चुकी हूँ, जो कि यहाँ प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल भी मैं घूमती रहती हूँ। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में बहुत रुचि रखते हैं। मैंने बोली कि ये बच्चों को आगे लगे लाने के लिए केवल पढ़ाई ही नहीं, उनके अंदर जो भी क्वालिटी है, जो भी गुण है, उनको आगे लाना चाहिए। इसीलिए खेल कूद में जो बच्चे या कोई डांसिंग में जो भी फाइन आर्ट्स में या
उनके अंदर जो भी प्रतिभा है उनको आगे लाने के लिए उनको सहयोग करना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए, उनके लिए कोचिंग भी और भी प्रोवाइड करना चाहिए। इसीलिए और एक बार ये चांसलर ट्रॉफी का शुरुआत हुआ है। 2019 लोकसभा चुनाव गणतंत्र दिवस को लेकर जमशेदपुर एसएसपी कार्यालय में इंटर स्टेट बॉर्डर क्रॉस बैठक संपन्न किया गया, जिसमें झारखंड पुलिस, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के सीमावर्ती नक्सल प्रभावित जिलों के अधिकारी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव नक्सलियों के द्वारा किसी घटना को अंजाम नहीं दिया जाए, इसको लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी अनुप बिथरे, ग्रामीण एसपी बंगाल, एसपी उड़ीसा के एसपी समेत नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्र के अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में कई अभियान चलाने को लेकर चर्चा की गई, साथ ही चुनाव से पहले किन इलाकों में चेक पोस्ट बनाना है इस पर भी यहाँ चर्चा की गई। वहीं बड़े नक्सलियों के गतिविधियों पर ध्यान देने पर भी जोर दिया गया। वहीं बड़े अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर चर्चा की गई। आने वाले लोकसभा आम चुनाव 2019 को देखते हुए और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के महत्वपूर्ण प्रोग्राम को देखते हुए जमशेदपुर में आज एक इंटर स्टेट बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग का आयोजन किया गया था। इसमें जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले के जो बॉर्डरिंग 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पुरुलिया, झाड़ग्राम जो वेस्ट बंगाल के हैं और मयूरभंज जो कि उड़ीसा का ज़िला है, यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स, सीआरपीएफ के ऑफिसर्स, कोबरा के ऑफिसर्स और पूर्वी सिंहभूम के बॉर्डरिंग थाने के सारे थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर्स और डीएसपीज मौजूद थे। इसमें आगे आने वाले इलेक्शन को लेकर के कोऑर्डिनेशन तय किया गया कि किस प्रकार इलेक्शन के दौरान नक्सली कोई घटना ना कर सकें उसके लिए क्या क्या प्रयास किए जाएँ। इस इलाके में जो सीमावर्ती क्षेत्र में माओवादी सक्रिय हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में एक दूसरे से शेयरिंग की गई, उनके फोटोग्राफ्स और उनकी जानकारी शेयर किया गया। इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के पहले से ही इंटर स्टेट जो बॉर्डर्स हैं वो कहां कहां सील किए जाएंगे, कहां कहां पर चेक पॉइंट्स स्थापित किए जाएंगे, चेक नाका लगाए जाएंगे जमशेदपुर की तरफ में और दूसरी तरफ पुरुलिया, झाड़ग्राम और मयूरभंज की तरफ में, कौन कौन से ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिनको इलेक्शन के पहले पकड़ने की ज़रूरत है और नज़र रखने की ज़रूरत है, इन सब बातों के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन किया गया। बहुत सारे ऑफिसर्स जो भी सीआरपीएफ की बटालियन 159-165 जो बंगाल तरफ में मौजूद हैं और जो हमारे तरफ की जो 193 बटालियन सीआरपीएफ, इनके सारे कमांडेंट और ऑफिसर्स थे और इलेक्शन को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक है और बाद में हम लोग फिर एक इस स्तर की बैठक करेंगे इलेक्शन नज़दीक आने पर। इसका उद्देश्य है कि शांतिपूर्ण और बिना किसी हिंसा के इलेक्शन को कराया जा सके और 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे है उसको लेकर के भी हम लोगों ने एक इंटर स्टेट ऑपरेशन चलाने का निर्णय लिया है ताकि गणतंत्र दिवस में किसी भी प्रकार से नक्सली किसी घटना को अंजाम ना दे सके। जमशेदपुर के बिस्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में झारखंड वासी एकता मंच के द्वारा विशाल टुशु मेले का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड राज्य के विभिन्न प्रांतों के अलावा उड़ीसा तथा बंगाल से लोग शामिल हुए। प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन जमशेदपुर में किया जाता है। इसमें एक से बढ़कर एक टुसु प्रतिमा चौड़ल देखने को मिलता है जो खुद झारखंडी संस्कृति को बयां करती है। इस दौरान मंच के संयोजक अस्तित्व महतो द्वारा ईचागढ़ विधायक साधु चरण महतो और सांसद विद्युत करण महतो के साथ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल थे। साथ ही लाखों की संख्या में यहाँ तीनों राज्यों से लोग शामिल हुए। झारखंड की पारंपरिक संस्कृति की झलक यहाँ देखने को मिली। पुरुष एवं महिलाएं या पारंपरिक परिधानों से सुजर्जित होकर टुसु नृत्य करते नजर आ रहे थे, जिसे देखकर लोग मंत्र मुक्त हो गए। आचार्यों के अनुसार झारखंड की संस्कृति को बचाए रखने तथा आने वाली पीढ़ी को इसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता है।
आपको बता दें जमशेदपुर के जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र में इन दिनों गंदगी का अंबार लगा है। जहाँ एक तरफ नगर पालिका स्वच्छता का दावा करती आती है, वहीं क्षेत्र का नजारा कुछ ऐसा है कि नगर पालिका के इलाके में बने नालों का पानी अब सड़कों पर बह रहा है, लेकिन नगर पालिका इससे इनकार करते नजर आ रहे हैं। देखिए जमशेदपुर से खास रिपोर्ट। जहां एक तरह स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है, जुगसलाई क्षेत्र इस पर ढप्पा लगाने में लगी हुई है। कारण है कि नगर पालिका के द्वारा स्वच्छता के नाम पर केवल खाना पूर्ति किया जाता है। जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सड़कों तथा इलाकों में कचरों का अंबार लगा हुआ रहता है और महीनों महीनों तक इसे साफ भी नहीं किया जाता है। आलम यह है कि अब यहाँ के लोगों को बीमारियों का खतरा सता रही है। स्थानीयों के अनुसार लगातार इसकी शिकायत नगर पालिका से की जा रही है, लेकिन इनके द्वारा साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, जिस कारण से क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा रहता है। डस्टबिन है, इसमें कोई कचरा ला कर डालता है, जैसे बाजार भी लगता है तो बाजार से कचरा डालता है। इसको मतलब हमेशा हफ्ता भर में उठा लेना चाहिए, लेकिन हफ्ता भर से पहले एक एक महीने में उठता है। यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाता है, महात्मा चालू हो जाता है। ये होटल वोटल का पानी भी यहीं से पास होता है, यहीं से पानी पास होता है और ये पानी पूरा बह के रोड तक जाता है। किसी का घर का बगल से जा रहा है, किसी का दुकान का बगल से जा रहा है। आदमी को चलने फिरने में बड़ी बहुत दिक्कत होता है और नगर पालिका में कंप्लेन करने के बाद भी तुरंत इसका कार्रवाई नहीं होता, कचरा तुरंत नहीं उठता। हाँ, उसका नाम पर खाली खाना पूर्ति होती है। वहीं दूसरी ओर अब जब इस मामले में नगर पालिका के श्री मैनेजर से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर बात को घुमाते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया और कहा कि लोगों को खुद से जागरूक होना होगा। उन्होंने कहा कि नगर पालिका के द्वारा प्रत्येक घर में डस्टबिन दिया गया है, जिसमें लोग कचरा को इकट्ठा कर सकते हैं। हम लोग डोर टू डोर पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। हम लोगों की कोशिश है कि सभी वार्डो में डोर टू डोर को कलेक्शन को उठाया जाए और साथ ही लोगों को स्वच्छ सेग्रीगेशन के बारे में बताया जा रहा है, ताकि गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके दें और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लोग कचरा इधर उधर ना करके डोर टू डोर में हमें अभी सभी वार्डों में हमारा प्रयास है कि सभी वार्डों को हम डस्टबिन दें ताकि लोग उससे उसके द्वारा स्वच्छ सेग्रीगेशन। बहरहाल जो भी हो, पर यह सोचने वाली बात है कि क्या इस तरह की सफाई के साथ जमशेदपुर नंबर 1 बन सकता है? क्या सार्वजनिक सड़कों पर पड़े कचरों को साफ करने की जिम्मेदारी नगर पालिका की नहीं है? अगर ऐसा ही रहा तो जमशेदपुर स्वच्छता की रैंकिंग में काफी पीछे छूट जाएगा। जमशेदपुर जोगा इंटर स्कूल हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें 28 स्कूलों के 700 से अधिक छात्र छात्रा चैंपियन ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। बिस्टुप स्थित जीआईडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बेल्डी चर्च स्कूल के द्वारा आयोजित 4 दिवसीय जोगा इंटर स्कूल हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप पालमुच्चो के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सभी स्कूलों के प्राचार्य एवं खेल जगत के कई लोग मौजूद थे, जहाँ हैंडबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत खिलाड़ी का परिचय प्राप्त कर मुख्य अतिथि के द्वारा किया गया, जहाँ 4 दिनों तक 28 स्कूलों के छात्र छात्राएं कई मुकाबले में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर उत्तम प्रदर्शन करते हुए चैंपियन ट्रॉफी और कब्जा जमाने का प्रयास करेंगे, जिसका उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप पालमुच्चो ने कहा कि टाटा स्टील के द्वारा छात्र छात्राओं की प्रतिभा को निखारने के लिए जोगा इंटर स्कूल चैंपियनशिप का माध्यम से विभिन्न प्रकार के खेलकूद प्रतियोगिताएं पिछले कई वर्षों से आयोजित की जा रही है, जहाँ से कई प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन विभिन्न खेल में किया गया है, जहाँ स्कूलों के द्वारा छात्र छात्राओं को सर्वांगीण विकास को लेकर शिक्षा के साथ साथ खेलकूद प्रतियोगिता भी आयोजित कर उनके मानसिक विकास को दुरुस्त करने का काम किया जाता है, जो काफी सराहनीय है। आज खेल में रोजगार के कई अवसर प्राप्त होते हैं, जहां से खिलाड़ी अपना भविष्य को संवार सकते हैं। इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, दोनों ही टीमों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्य अतिथि महोदय और अन्य। बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि ये सब काम हम लोग को करना चाहिए, मगर ये काम आप कर रहे हैं इसलिए निश्चित रूप से
इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। आज सचमुच में खेल में अगर हैंडबॉल को हम देखें तो ये सबसे फास्टेस्ट गेम है, और ये जरूर बात है कि थोड़ा ये लोकप्रियता में कमी है, मगर धीरे 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 ये खेल भी बहुत लोकप्रिय होता चला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो आगे प्रेसिडेंट ने कहा कि पार्टिसिपेशन करना बड़ी ज़रूरी है और आप कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, जिससे आपका टैलेंट पता चलेगा, इससे आपको भी अपना रास्ता चुनने का मौका मिलेगा। साथ ही जो कोचेज हैं उनको भी बच्चों को परखने का मौका मिलेगा कि किस बच्चों को हम किस खेल में आगे बढ़ाएं। जमशेदपुर पिछले दिसंबर माह से जमीन दखल के मामले को लेकर धरने पर बैठे परिवार के लोगों का समर्थन अब कांग्रेस पार्टी ने दे दिया है। सोमवार को कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने धरना स्थल पर पहुंचकर उन्हें अपना समर्थन दिया। ज्ञात हो कि यह मामला जमीन दखल का है, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पर जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया था, और इसी को लेकर एक पक्ष पिछले दिसंबर माह से जिला मुख्यालय के समक्ष धरना पर दे रहा है। अब इसका समर्थन कांग्रेस पार्टी ने भी कर दिया है। सोमवार को कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा इकाई के द्वारा धरना स्थल पर पहुंचकर इसका समर्थन देते हुए जोरदार नारेबाजी की गई। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि जिला प्रशासन अविलंब इस मामले को गंभीरता से लेकर धरने पर बैठे परिवार को न्याय दिलाए। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेतपुर कदमा भाटिया बस्ती में आज करीब 6 दिसंबर 2018 से इन लोग का अभी तक इंसाफ नहीं मिला, जबकि पूरा पेपर इनके हक में है, पूरा पेपर हक में है। और कदमा थाना असहयोग कर रहा है, जबकि अनुसूचित जाति आयोग में दिया गया है, झारखंड सरकार के अनुसूचित जाति आयोग में वहाँ भी पेपर दिया गया, लेकिन कहीं भी इनसे दलित का कहीं भी इंसाफ न्याय नहीं मिल रहा है। मजबूरन आज हम लोग को कांग्रेस पार्टी की आज हम लोग को न्याय के लिए हम लोग को आज इनको रोड के सड़क पर आना पड़ा इन लोग के हक में। और जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती है, जब तक गुंडागर्दी और भूमाफियाओं का जब तक अविलंब गिरफ्तारी नहीं, तब तक हम लोग का अनशन जारी रहेगा। पुटका के मुलाडिया गांव में जसपल के द्वारा पिछले 4 महीने से कई शौचालय पूर्ण नहीं किया गया है और अधूरा अभी भी पड़ा हुआ है। केवल यहाँ गड्ढा खोद कर छोड़ दिया गया है। इतना ही नहीं, शौचालय में सीमेंट का मात्रा भी कम दिया गया है। वहीं लाभुक और स्थानीय वार्ड सदस्य का कहना है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। यही एस्टीमेट है, यही एस्टीमेट है, इसी का एस्टीमेट का आधार से हम लोग बना रहे हैं। सेंटिने खुलने के बाद चापी गला मानुस बसी जावे नीचे। आप देखिए क्या कह रहे थे, जैसे हम लोग का गाँव में आज ये जेएसएलपीएस का तरफ से लगभग 24-25 ठो शौचालय बनाया गया है। जो बनाया गया है कुछ तो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, और जो भी फाइनल हो गया है हमको लगता है कि वो 6 महीना के अंदर धस जाएगा जमीन के नीचे। काहे कि ना अभी उसका ना छत ठीक से हुआ है, ना उसका प्लास्टर ठीक से हुआ है, ना उसका टंकी का गड्ढा खोदा गया है, ना पानी के लिए टंकी बनाया गया है, और ना ही अभी तक दरवाजा बना है, ना पेंटिंग हुआ है। इतना सारा काम पूरा अधूरा पड़ा हुआ है। क्या लग रहा है आपको, और इसका बारे में अब क्या बोलेंगे हम लोग? जब अपना तरफ से गांव का तरफ से हम अपना मुखिया जी को शिकायत करते हैं तो मुखिया जी बोलते हैं कि इस सब का हम लोग का हैंडलिंग में नहीं है, ये बल्कि जेएसएलपीएस को दिया गया है, उन लोग का देख रेख में हो रहा है, वही लोग का जिम्मेदारी है। काम कैसा हो रहा है? काम तो बहुत घटिया काम हुआ है, काम का स्थिति पूछिए मत। ऐसा स्थिति है काम का कि क्या बोलेंगे अब तो। आपका शौचालय दादा जीएसएलपीएस बना जरा बना बना हुआ है तो अधूरा किया हुआ है। 4 महीना हो गया, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों क्यों नहीं हुआ हम लोग को तो पता नहीं। जो ठीका अधूरा करके छोड़ गड्ढा खोद के छोड़ दिया। जमशेदपुर के उत्तरी खागीडी पंचायत हरहर गुट्टू के अंबेडकर नगर में लग रहे मोबाइल टावर का क्षेत्र के निवासी तथा पंचायत समिति सदस्य ने विरोध जताया है। जी हां, इन्होंने इसके खिलाफ जिले के उपायुक्त को शिकायत पत्र सौंपते हुए कार्य को रोके जाने की मांग उठाई है।
बताया जाता है कि पिछले दिनों से क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने का कार्य शुरू किया गया है। इसके बाद से क्षेत्र के लोगों में रेडिएशन फैलाने का खतरा समा रहा है। इस इलाके में यह टावर लगाया जा रहा है या इलाके यहां घनी आबादी निवास करती है। पंचायत समिति सदस्यों ने मौके पर इसका विरोध दर्ज कराया था, लेकिन कार्य अभी भी अधूरा है। सोमवार को इन्होंने जिले के उपायुक्त से मुलाकात की। इस कार्य को रोके जाने की मांग पंचायत समिति सदस्यों के अनुसार इस इलाके में घनी आबादी निवास करती है और यह टावर लगने से रेडिएशन फैलने का खतरा है, जिससे कई बीमारी हो सकती है। इस कारण से अभिलंब इस कार्य को रोके जाने की मांग उठाई गई है। बोलिए, क्या बात को लेके आए हैं? कुछ तो बोलिए, क्या है? मोबाइल टावर के विरोध में उत्तरी घाघीडीह पंचायत अंतर्गत हरर गुट्टू अम्बेडकर नगर में मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। उस मोबाइल टावर के रेडिएशन से कैंसर जैसी घातक बीमारी फैलने की संभावना है, इसलिए हम सारे पंचायत प्रतिनिधि ब्रह्मा कुमारी संस्था, जो पिछले 25 सालों से चलती हुई आ रही है, घनी आबादी के बीच में अवैध रूप से मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जिला उपायुक्त को मांग पत्र सौंपकर हम लोग टावर निर्माण के रोक लगाने का मांग किए हैं। अगर अविलंब टावर निर्माण की रोक नहीं लगी तो मजबूरन हम पंचायत प्रतिनिधि ब्रह्मा कुमारी संस्था के पूरे टीम के साथ उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज में कॉलेज के छात्र संघ ने फीस वृद्धि के खिलाफ एक दिवसीय धरना दे दिया। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम फीस वृद्धि को वापस ले जाने संबंधी मांग पत्र भी सौंपा गया। आपको बता दें कि लगातार कॉलेज के छात्रों तथा छात्र संघ के द्वारा कॉलेज की फीस को अत्यधिक बढ़ाए जाने के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। वैसे पिछले 2 वर्षों से कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया बंद कर दी गई थी। छात्र संघ के अनुसार इसके शुरू करवाए जाने की लेकर आंदोलन किया जा रहा है। इसके बाद कॉलेज में दोबारा नामांकन शुरू हुआ, लेकिन कॉलेज के फीस को 4 गुना बढ़ा दिया गया है। इसके खिलाफ छात्र संघ लगातार आंदोलन कर रही है। छात्र संघ के अनुसार फीस वृद्धि से उन्हें परहेज नहीं है, लेकिन फीस कुछ हद तक बढ़ने के साथ ही कॉलेज के छात्र शिक्षक ग्रहण कर पाएंगे। वेतहासा वृद्धि को लेकर किसी भी हालत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर विश्वविद्यालय प्रबंधक इस पर कोई पहल नहीं करती तो कॉलेज में तालाबंदी कर दी जाएगी। लॉ कॉलेज एकमात्र विकल्प है। गरीब, मध्यम वर्ग, आदिवासी और पिछड़े एवं शोषित वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए लगातार कॉलेज प्रशासन व विश्वविद्यालय प्रशासन को इस बात से आगाह किया जा रहा है कि यहाँ पे जो फीस वृद्धि की गई है, जिसे 5 गुना या 4 गुना बढ़ा करके छात्र से खिलवाड़ किया जा रहा है, वह कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छात्रों की यह मांग है कि फीस वृद्धि को न्यूनतम वृद्धि तक लाया जाए या फीस वृद्धि को वापस ले। हमें वृद्धि से परहेज नहीं, परंतु जिस प्रकार से अत्यधिक वृद्धि करके शिक्षा का निजीकरण व बाजारीकरण करके छात्र जो लगातार इस कॉलेज को अफिलेशन दोबारा दिलाने के लिए तक संघर्ष किए हैं, उसके बावजूद छात्रों की उम्मीद पर कुल्हाड़ पर हमला किया जा रहा है। ऐसा करना वह गरीब छात्र छात्राओं के लिए जो उस उम्मीद से कॉलेज में एडमिशन लेते हैं कि हम लॉ करेंगे, हम विधि की पढ़ाई पूरी करके हम लोग कल को कुछ करेंगे, उन लोगों के सपने से उन लोगों की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और यह विरोध तब तक जारी रहेगी जब तक फीस वृद्धि से संबंधित किसी प्रकार का कदम विश्वविद्यालय नहीं उठाता। जमशेदपुर के कपाली में सोमवार को शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान किया गया है। इस उपलक्ष्य को 2 मुहानी नदी घाट से विशाल कलश यात्रा के साथ निकाले गए। इस कलश यात्रा में क्षेत्र की सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। सभी ने मंदिर प्रणाम से कलश लेकर पैदल यात्रा नदी तट को लेकर, इसके साथ ही नदी घाट से कलश में जल भरकर वापस पैदल यात्रा करते हुए मंदिर प्रणाम में आ पहुंची, जिसके बाद मंदिर में पूजा अनुष्ठान शुरू हो गया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर के पट सभी ने खोल दिए। कॉलेज यात्रा जिसमें 108 महिलाओं को हम लोग विभिन्न ग्रामों से बुलाए थे। उन लोगों को अपना एक परिवेश में एक ड्रेस के साथ
एक पोशाक के साथ भेजे हैं। हम लोगों का जो बगल में नदी है, जो दोमहानी नदी, स्वर्णा रेखा, खरकाई नदी का महासंगम स्थल, उस संगम स्थल में जाकर पुरोहितों के साथ, पूरे विधि विधान के साथ, पूरे गांव में महिलाओं लोग लाकर मंदिर में जल अर्पण किए, और इनके उपरांत प्राण प्रतिष्ठा भी हैं और रुद्राभिषेक हैं। जमशेदपुर किड्स इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन कर मेधावी छात्र छात्रा को पुरस्कृत किया गया। वहीं बच्चों ने आकर्षक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की, जिसे देखते के लिए अभिभावकों की भारी भीड़ नजर आ रही थी। साक्षी स्थित एक होटल में किड्स नेशनल प्ले स्कूल के द्वारा वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहाँ स्कूल के डायरेक्टर सहित सभी शिक्षक एवं छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक मौजूद थे। वही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया, जहाँ बच्चों ने आकर्षक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की। स्तंभ में मीडिया से बात करते स्कूल की प्राचार्य ने कहा कि छोटे बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जहां अपनी प्रतिभा को सम्मान देते हैं। वहीं इस तरह के आयोजन से बच्चों का मनोरंजन भी होता है और जहां बच्चे नई ऊर्जा के साथ जमकर मस्ती करते हैं। हमारा एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो भी बच्चे, जो पेरेंट्स सिंसियरली डेडिकेटली लगते हैं अपने बच्चों में, बिकॉज दे टेक एफर्ट सेंडिंग देयर चाइल्ड टू स्कूल। हर दिन बच्चे रेडी होके आते हैं, स्कूल आते हैं, जाते हैं, एंड एवरी डे टीचर्स भी दे मेक इट प्रोडक्टिव फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो जो पेरेंट्स, जो पूरे साल जिन्होंने मेहनत की, जो बच्चे इतना मेहनत किए, हार्ड वर्किंग रहे, इट वॉज फ्रॉम ऑल द फील्ड, को करिकुलर एक्टिविटीज, अकेडमिक्स एंड अदर फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, रेसिंग, वो सबको क्लब अप करके एनुअली हम लोग यहाँ पे बच्चों को एक्नॉलेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स मोटिवेट हो, एंड ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चों के लिए इस तरह का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ हम आपको बता दें, पुटका टुशु मेले में आदिवासी समुदाय के लोग पूरी तरह रंग चुके हैं। वह युवक महिलाओं के वेशभूषा से सज धज कर नृत्य करते दिखाई दे रही थी। तो कुछ लोग अपने खुले शरीर में पत्ता बांधकर आदिम जनजाति के रूप में धारण करके नृत्य करते नजर आ रहे थे। वह इस पर्व को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचते आ रहे थे। बताया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।